तो कैसे हो तुम लोग? हाँ, आज मैं फार्म बनाने वाला हूँ, मॉक फार्म। तुम देख के तो समझ ही गए होंगे। तो लेट्स गो, बिना शुरू करते हैं। वेट अ सेकंड, पहले सब्सक्राइब करो, मैं नहीं जानता। वेल, मैं अपने वर्ल्ड में आया था और यहाँ बारिश हो रही थी, मतलब थंडर स्टॉर्म, और सामने स्केलेटन भाई भी नहा रहे थे। लगता है उसका ब्रेकअप हो गया है। मैं से स्केलेटन भाई का दर्द नहीं देखा गया और मैंने उनको मुक्ति भी प्राप्त करवा दी इस दर्द से। मैंने सोचा मैं भी नहा लेता हूँ, और सामने से मुझे एक स्केलेटन ने तीर मार दिया। खैर, मेरे को क्या, मेरे को तो इनकी फाइट देखने में मज़ा आ रहा था और मैं वही देख रहा था चीज़ें से, और ये एक दूसरे को मारे जा रहे थे। तो ये वाला जिंदा बच गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मेरे को बाद में शुगर केन फार्म भी बनाना है, जिसके लिए यहाँ मेरे को शुगर केन चाहिए होगी। और ये पड़ी ये रही, तो मैं इसको तोड़ के यहाँ पे और लगा देता हूँ, जिससे मेरे को कहीं और ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इनको यही लगा देता हूँ पास पास पे, ताकि मेरे को ज़्यादा घूमना ना पड़े। यहाँ अच्छी जगह भी है ये एकदम। जब मैं घर पे वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ सामने क्रीपर है, और तुम्हें तो पता ही यार मैं कितना भरम हूँ। तो मैंने सोचा इसको मार के भागूँ या नहीं, और ये यहीं पे फट जाता है। पता नहीं क्या ही है वो, इतना नूब क्यों हूँ मैं। वेल, डर्ट का तो खजाना है मेरे पास, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। अब मेरे को भरना चाहिए इसको जल्दी से। एकदम बोरिंग काम है ये, मेरा मन भी नहीं कर रहा इसको करने का। मतलब यार, फार्म वार्म कब बनाऊंगा मैं? मतलब अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, मैं बस ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ इस वीडियो में। वेल, मैंने नोटिस नहीं किया यार, क्या ही बोल सकते हैं। कोई नहीं, मैं हूँ इतना बड़ा नूब। क्या बकवास है। तो मैं इसमें सारा सामान रख देता हूँ। वेल, मैंने सोचा है मॉब फार्म में कोबल डीप स्लेप का बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास केव में भी नीचे पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, उतने में मेरे पास बन जाएगा आई थिंक। वेल, इन दोनों में से मुझे वो वाला टाइल्स वाला अच्छा लग रहा है। इसके अंदर शायद मैं इसको स्मेल्ट कर सकता हूँ, जिससे स्टोन ब्रिक्स बना सकता। मेरे घर के बाद मेहमान आया होता है, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। क्या मतलब है, मैंने उसको मार दिया। वेल, मैंने फाइनल कर लिया, मैं ब्रिक्स बनाऊंगा इन सब की, तो सारे को निकाल लेते। तुम खुद देख सकते हो कि ब्रिक कितना अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले, तो मैं ब्रिक्स लगाऊंगा। मैंने सोचा जो जगह प्लेन नहीं है उसको ब्लेंड कर देता हूँ, तो पहले मैं यही करूंगा। मॉक फार्म के लिए मुझे चाहिए होपर्स, तो वो रेडी हैं। मेरे ट्रैप डोर्स रेडी हैं। फार्म बनाने के लिए मैंने सारी चीजें कलेक्ट कर लिया, बस जगह ढूंढना बाकी है। ये जगह एकदम ठीक है, घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं यही बनाऊंगा अपना मॉक फार्म। इनके अंदर आएंगे चार चेस्ट, दो इस तरफ और दो इस तरफ। अब मुझे इनके ऊपर होपर लगाने हैं, दो इधर, मतलब पूरे चारों के ऊपर होपर लगाने हैं। तो ये हो गया, और इसके ऊपर मुझे स्लैब्स भी लगाने हैं, तो मैं इधर लगा देता हूँ चारों के चारों स्लैब्स। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हो गया पूरा। तो अब मुझे इसको 22 या 21 ब्लॉक ऊपर ले जाना है, तो मैं ले जाने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। तो फाइनली ये हो गया, तो मुझे इसको 8 ब्लॉक आगे तक ले जाना है। तो लेट्स गो, मैंने पता नहीं कितने कर दिए, ये एक और दो तीन चार पाँच, आई गेस हो गए होंगे, क्योंकि तीन मैंने शुरुआत में लगा दिए थे। मैं सारी साइड करने के बाद तुम्हें मिलता हूँ। वेल, 50% काम हो चुका है, अब मुझे ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उसको कवर कर देना है चारों ओर से। लेट्स गो, मुझे सारे ब्लॉकों को 8-8 ब्लॉक तक दूर ले जाना है, और उसके बाद उसको पूरा कवर कर देना है। वेल, आधे काम पे ही ब्लॉक्स खत्म होने वाले थे, सिर्फ 18 ब्लॉक्स बचे थे, और मेरे को केव से और लाने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। तो मतलब अब मैं ब्रो वाली एमएलजी मारूंगा। रिक्स उठा, घूट लगा, माउंटेन ड्यू, डर की ऐसी हो जाता है यार कभी कभी, ब्रो लोगों से भी हो जाता है। वेल, अब नीचे जाने के लिए मुझे बेड का साधन लेना पड़ेगा, इस बार पक्का कामयाब होऊंगा मैं। देखना यार, तुम्हारा भाई ब्रो है यार, तुम लोग देखते जाओ बस। देखो यार, कितना अभी आधा ही काम हुआ है मेरा, तो लेट्स गो, इस बार मैं कर लूँगा। देखो, ओरे ओरे, अब बोलो ना, कौन ऐसा था मेरे ऊपर? अरे यार, तुम समझते नहीं हो, एक बार नहीं हुआ तो क्या मतलब दूसरी बार भी नहीं होगा। हमको सिखा दिया है। थोड़ा सा दूर हो रहा है, मैं पहुंचने वाला हूँ, और ये पहुंच गया लगभग। और इस चेस्ट के अंदर था मेरा मतलब वो स्टोन विस्टोन, देखो कितने सारे भरे पड़े हैं। ये सारा मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इस बार सबका सब ले चलते हैं। तो इन सब की मैं टाइल्स बना देता हूँ। अब मुझे इसे चारों साइड से कवर करना है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। मुझे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना होगा, जिसके लिए मुझे इसको कुछ 4 ब्लॉक तक ऐसे करना होगा, और इसके अंदर 2 बकेट पानी डालना होगा, एक बकेट यहाँ है और एक इन्वेंटरी में पड़ी है, तो उसको जल्दी से ले लेते हैं। तो अब मेरे को इसको यहाँ प्लेस करना है। अब ये इन्फिनिटी बन चुका है, अब मैं कितना भी ले सकता हूँ। अब बस मुझे चारों साइड वाटर डालना है, बस यही करना है। तो जल्दी से मैं चारों साइड पानी डाल देता हूँ, तो मेरा काम कंप्लीट होने वाला है। मुझे यहाँ ट्रैप डोर्स लगाने हैं, अब तो मैं सारी जगह ट्रैप डोर्स लगा देता हूँ ऐसे कुछ।
खत्म हो गया यार, ना तो मेरे पास ऐसी वुड है, अब तो मेरे को माइन करने जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मतलब मैं एक स्टैक ले आया हूँ, इन सबकी मैं प्लैंक्स बना देता हूँ जल्दी से। भल मैंने ट्रैप डोर्स बना लिया और मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ चारों ओर। ट्रैप डोर्स लगाते टाइम मैं नीचे गिर जाता हूँ और वहीं मर जाता हूँ, क्या मतलब है मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। कोई नहीं, तो मैंने सारी जगह ट्रैप डोर्स लगा दिया और कुछ सामान हॉपर में गिर गए हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। तो बस मुझे अब इसको ऊपर से कवर कर देना है, तो मैं इसको जल्दी से कवर कर देता हूँ। तो ये फाइनली कंप्लीट होने वाला है, हो गया। और भाई सामने का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रुको मैं यहाँ से आया था ना, हाँ तो यहीं पे देखते हैं, यहीं पे थोड़ी देर में देखता हूँ इसको। फार्म को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ से टॉर्चेस तोड़नी पड़ेगी जो मैंने लगाई थी, तो लेट्स गो जल्दी से तोड़ देते हैं चारों साइड की। मैं नीचे आई रहा हूँ तो यहाँ बेबी ज़ॉम्बी दिख जाता है जो मैं हिट कर देता हूँ। मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे भाई इतने मारता है और यहाँ बाहर इतने सारे मॉब होते हैं, मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। पर ये स्केलेटन है ना पीछे से एक तीर मार देता है, मतलब मैं हाफ हार्ट पे हूँ यार। खाने की तंगी आ गई है यार, यहाँ पे यार कुछ है ही नहीं खाने को, मेरे को रॉटन फ्लैश ही खाना पड़ेगा, और कोई मतलब चारा नहीं है यार मेरे पास, मतलब यही खाना पड़ेगा। चल हट, तू यहाँ क्या करता है। मेरे हिसाब से ये एंटरपल दे देगा क्योंकि इसके हाथ में ग्रास ब्लॉक पड़ा है, तो ये आई थिंक ड्रॉप करेगा मेरे हिसाब से, तो इसको मार के देखता हूँ। चलो अच्छा है, उसने ड्रॉप कर दिया। तो ये रेडी हमारा मॉब फार्म यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चलो इसमें से देखते हैं कि मॉब आते हैं। वैसे मेरे को एएफ के रूम बनाना था जिसके लिए मेरे पास बैम्बू नहीं है, तो मेरे को फार्म बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं वेट करूंगा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आया एक ज़ॉम्बी, आया एक ज़ॉम्बी आया, ये था वर्क करता है यार, करता है, तो इसको मार देता हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार आवाज पे भी मत जाना, अभी थोड़ी खराब थी, अगली वीडियो में अच्छी वॉइस ओवर होगी तो उसको देखना मत भूलना। कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो।